Jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MS Tech Studio। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो के अंदर हीरो एक्सट्रीम को दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि इसके मॉडल की बात की जाए तो इसके अंदर दो मॉडल आते हैं, जिसमें अंतर की बात की जाए तो फ्रंट और डिस्क ब्रेक का अंतर आएगा। जैसे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन रियर जो डिस्क ब्रेक मिलेंगे वो इसके टॉप मॉडल में मिलेंगे। आप जो मॉडल देख रहे हो आज, वो बेस मॉडल और वाइट कलर के अंदर देख रहे हो। इसके अंदर आपको ओनली डिस्क ब्रेक फ्रंट में ही मिलेंगे, रियर में नहीं मिलेंगे। यदि दोस्तों इसके फ्रंट टायर की बात की जाए तो आपको फ्रंट टायर 100x80 17 इंच का इसका फ्रंट टायर मिल जाएगा, और रियर टायर की बात की जाए तो 130x70 17 इंच का इसका रियर टायर मिल जाएगा, और इसके दोनों टायर आपको ट्यूबलेस मिलेंगे। यदि दोस्तों इसके फ्रंट की सस्पेंशन की बात की जाए तो टेलीस्कोपी विद एंटी फ्रिक्शन बुश इसके सस्पेंशन दिए गए हैं। यदि इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो LED आपको इसके अंदर हेडलाइट मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर की बात की जाए तो आपको इसके अंदर LED टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। यदि इसके इंजन की बात की जाए तो 163cc इसका इंजन दिया गया है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इसका इंजन आता है, जिसकी पावर की बात की जाए तो 15.3 BHP की पावर जनरेट करता है और 14 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क जनरेट करता है। यदि इसकी माइलेज की बात की जाए तो इसका माइलेज कंपनी 55 के आसपास क्लेम करती है। रियर में इसकी माइलेज यदि बात की जाए तो 45 और 50 के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगा। इसके पीछे ये आपको 160 का लोगो दिया गया है। इंजन कूलिंग की बात की जाए तो एयर कूलिंग ही मिलेगा आपको इसके अंदर। किक एंड सेल्फ के अंदर आपको ये गाड़ी मिलेगी फ्यूल इंजेक्ट के अंदर। 5-स्पीड मैनुअल गियर दिए गए हैं। आप जो मॉडल देख रहे हो BS6 मॉडल देख रहे हो। रियर से यदि ब्रेक और टेल लाइट की बात की जाए तो आपको LED के अंदर आपको टेल लाइट मिल जाएगी। यदि रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो 7 सेटअप राइड एडजस्टेबल मोनोशॉक रियर सस्पेंशन दिए गए हैं। पीछे का कुछ लुक इस तरीके का लगता है। एक स्पोर्ट्स बाइक के बहुत ही अच्छी बाइक निकाली है, अपाची 160 के कंपैरिजन में ये गाड़ी निकाली है दोस्तों कंपनी ने। यदि इसके फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 12 लीटर आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और इसकी यदि कार्बन वेट की बात की जाए तो 138 kg इसका कार्बन वेट दिया गया है। इसके हैंडल पे यदि आपको देखा जाए तो पासिंग लाइट दी गई है और लाइट के बटन दिए गए हैं। दोस्तों इसके मीटर की बात की जाए, स्पीडोमीटर की बात की जाए, ऑटोमीटर की बात की जाए, टेकोमीटर की बात की जाए, ट्रिप मीटर की बात की जाए, तो सारे मीटर आपको इसके अंदर डिजिटल मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा वीडियो अब खत्म होता है, समाप्त होता है। और यदि दोस्तों इस तरीके से मेरा वीडियो अभी एक समाप्त होता है, तो अब अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अब अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।